Hello everyone, welcome back to the channel, and we are on question number 50 of Striver CBC. So yeah, section 1 is about to end, and let's see what the question is. So OR in matrix, okay, let's define logical OR. हमें पता है दो चीजों का कभी भी OR लेते हैं तो if any one of them is 1 तो result would be 1. तो OR as an operation, two logical values belongs to the set 0 या 1 that is equal to 1 if either or both of the logical values is set to 1. Yeah, we know that. We can define logical OR of 3 or more logical values in the same manner. Okay. तो इसने कुछ दिया A1 से AK. अगर इन सबका मैं OR लूँ, that is A की value 0 या 1 होंगी, is equal to 1 if sum A I equal to 1. अच्छा. तो इसने एक नया operation बना दिया, कई सारी चीजों का OR. अगर if any one of them is 1, then result would be 1. Otherwise, it would be 0. Okay. So, now has a matrix A consisting of M rows and N column. The row are numbered from 1 to m, columns are numbered from 1 to n. Okay, m cross n ki matrix hai, I aur j diya hua hai in the range of 1 se n, theek hai. A I j se denote kiya ja raha hai element ko, ith aur jth ka, theek hai. From matrix A, naam creates another matrix B of the same size using the formula. Okay, to usne B matrix bana di using the A matrix. Kaise banai hai? Bij equal to AI1 or AI2 or AIN. To hamare paas kya tha diya tha inhone starting mein m cross n diya tha, n column the. तो इसने एक रो पकड़ी और सारे कॉलम चेंज करके टिल द लास्ट कॉलम, तो मतलब आपको जो भी रो दी आप उसका और ले लो विद ऑल द कॉलम्स. अगर आई है 0, I0, I1, I2, I3, I4 तो यू जस्ट ट्रैवर्स दिस वे हॉरिजॉन्टली, राइट. आपने सारे कॉलम्स पे और निकाल लिया और A1J, A2J, AMJ. ओके, तो आपने उस कॉलम को भी फिक्स किया और आपने सभी रोज पे निकाल लिया. सो फॉर दिस केस किसी भी मैं उसके लिए बता सकता हूँ कि अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसने क्या किया, इसने पूरे रो का निकाल लिया और इसने पूरे कॉलम का निकाल लिया और, ठीक है, गॉट इट. इजी है, कुछ इसमें वो समझने का नहीं है. Bij is OR of all elements in row I and column. Now gives the matrix B and challenge used to guess matrix A. Okay, so that's the real challenge कि आपको B बना दिया उसने हर एक एलिमेंट के लिए ना, उसने उस रो को और उस कॉलम को और ले लिया और उसकी वैल्यू फिट कर दिया B पे. अब B मिल चुका है, अब हमें A निकालना है, रिवर्स करना है. Although Naam is smart, he could probably make a mistake while calculating matrix B, each size of A can be large. अच्छा, तो Naam वैसे तो smart है, but he can also make a mistake, and उसने कोई ना कोई mistake कर ही हो सकती है, तो हमें ये भी consider करना है. Input first line to contain integer M or N दिए हुए हैं, next line M or N 0 or either होंगे. अच्छा, if the first line print no, if Naam has made a mistake when calculating B, otherwise print yes. If the first line is yes, then also print M rows of this. Okay. अगर नहीं बना सकते तो नो प्रिंट कर दो, बना सकते हो यस, तो उसके बाद हमें मैट्रिक्स भी देनी है. विजुलाइज कर लेते हैं किसी केस को. तो ये कुछ पहले तो पंडा समझा देता हूं मैं, इसको उठा लेते हैं, ठीक है, कि चीजें हो कैसे. ये कोई भी, आई नो यू गाइस आर सो स्मार्ट बट स्टिल एक बार ये उठा लिया, ठीक है, उसी को भी मैं जीरो कर सकता हूँ, डजंट मैटर. और इसके अंदर मैं चेंज लाऊंगा, तो मैं चेंज कुछ इस तरीके से लाता हूं कि फर्स्ट एलिमेंट है ये हमारा ए है, ठीक है, ये हमारा ए दिया हुआ है. अब ए को मुझे बी में बनाना है, तो बी में बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस रो के लिए तो मैं इस पूरे रो पे चेक करूंगा और इसके लिए मैं इसी के पूरे कॉलम पे चेक करूंगा, सब जगह वन आ रहा है, ठीक है, तो वन आ जाएगा. इस पे चेक करता हूँ फॉर दैट, अगर मुझे इसके लिए चेक करना है तो मैं इसकी सारी रो पे चेक करूंगा, वन आ जाएगा, कॉलम पे चेक करूंगा, वन आ जाएगा. सेम स्टोरी गोज फॉर दीज ऑल द कैरेक्टर्स, ऑल द नंबर्स. तो ये समझ में आ गया, किसी भी इंडेक्स के लिए चेक करना है आपको उस पूरी रो पे और आपको उस पूरे कॉलम पे, ठीक है, ये क्लियर हो गया. ऐसे बी ना, तो क्वेश्चन इज बी से ए बनाना है. अच्छा, तो विजुलाइज करते हैं, तो एक चीज सोचते हैं, अगर बी में वन आ रहा है तो डज दैट मीन कि बी में वन आने का मतलब है कि आपके पास कहीं ना कहीं इस वाली रो में या इस कॉलम में वन रहा होगा, राइट. अगर आपके पास किसी भी एक पोजीशन पे वन आ रहा है तो डैट मीन्स आपके पास इस रो में इस कॉलम में वन रहा होगा, किसी भी कॉलम में हो सकता है आइदर. तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा है. एक दूसरा नंबर देखते हैं कि या तो वन आता है या फिर जीरो आता है. तो लेट्स जस्ट से यहाँ पे कुछ ऐसा होता है, जीरो जीरो एंड जीरो. ओके, तो इसका इसको वन मिल जाता, इसके लिए इसको वन मिल जाता, ठीक है, एंड इसके लिए भी इसको वन मिल जाता, इसके लिए भी वन मिल जाता, इसके लिए नहीं मिलता, एंड फॉर द लास्ट वन भी इसको वन नहीं मिलता. ओके, तो ये ऐसा सा कुछ भी आता, तो हमने वन के लिए तो बात कर ली कि वन अगर आ रहा है तो डेट डजेंट मीन कि
उससे किसी भी पोजीशन पे हो सकता है वन, अभी भी स्टिल हमारी कंफ्यूजन क्लियर नहीं हुई, वन यहाँ पे भी हो सकता है, हो सकता है इस पे वन ना ही हो। बट अगर जीरो आ रहा है, तो अगर जीरो आ रहा है दैट मीन्स कि उसको अपनी रो में ठीक है और अपने कॉलम में दोनों जगह पे जीरो नहीं मिला, दैट्स फॉर श्योर, तभी तो यहाँ पे जीरो आ रहा है वरना वन आ जाता। तो अगर जैसे यहाँ पे जीरो आ रहा है दैट मीन्स इसको इस पूरी रो में, एंड वी कैन सी दैट इस पूरी रो में वन नहीं मिला एंड इस पूरे कॉलम में वन नहीं मिला। तो दैट्स द लॉजिक बिहाइंड दिस क्वेश्चन एंड लेट्स स्टार्ट कोडिंग इट आउट। सो या कोडिंग सेक्शन आई एक्चुअली हैड टू री रिकॉर्ड द वीडियो, सो फॉर दिस दिस टाइम आई एम गोना एक्सप्लेन दिस ओनली। सो सबसे पहले हमने एन और एम ले लिया, सीन करा लिया एम और एन, ठीक है। जो भी मैट्रिक्स के वो थे डायमेंशन थे, दो एरे बना लिए क्योंकि हमें बी दिया हुआ है, बी मतलब जिस पे और ऑपरेशन हो चुके हैं और हमें ए निकालना है, ठीक है। अब एज आई हैव टोल्ड यू कि बी के अंदर हमें एक लॉजिक हमें जो अभी तक हमने समझा था कि कभी भी अगर जीरो आता है तो डैट मीन्स कि उसे ना अपनी रो से वन मिला ना अपनी कॉलम से वन मिला, तो उसके रो और कॉलम जीरो रहेंगे, ठीक है। तो बाकी सब वन रहेगा फिर, क्योंकि दो ही तो वैल्यूज है। तो मैंने इसलिए पहले प्री प्रोसेसिंग करके जो भी मेरी ए थी मैट्रिक्स उस पर मैंने वन फिट कर दिया। अब मैं सबकी वैल्यूज को सीन करा रहा हूँ। तो मैंने ट्रैवर्स किया दोनों उस पर और मैंने बी आई जे की वैल्यू उठाई। अगर बी आई जे की वैल्यू, हमारा लॉजिक क्या कहता है, अगर जीरो है तो इफ बी आई जे इक्वल टू जीरो आई एम गोना ट्रैवर्स ऑन दैट ऑल द कॉलम्स एंड ऑन ऑल द रोज। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने सारे कॉलम्स पे ट्रैवर्स करा एंड सबसे सारे कॉलम्स पे ट्रैवर्स करा और उसके बाद जो भी आयत रो थी एंड सारे कॉलम से सबको जीरो कर दिया एंड उसके बाद मैंने सारी रोज पे ट्रैवर्स करा। तो मैंने उस कॉलम की एंड फॉर दिस दिस जीरो, तो मैंने एक बार पहले इस पे ट्रैवर्स करा एंड देन इस पे ट्रैवर्स करा, मतलब इन दो दो ट्रैवर्सल मैंने किए और दोनों को मैंने जीरो फिक्स कर दिया। अब मेरा जीरो का काम डन हो चुका है, अब बाकी बचा वन। अब मुझे ये पता करना है कि जो वन है क्या वो वैलिड वन है वहां पे या नहीं, उसको कोई वन प्रोवाइड करा रहा है या नहीं, हमें नहीं पता। सो फॉर ए बी मैंने चेक करा वन, क्योंकि ए से बी ट्रांसफॉर्मेशन लग रही है। तो मैंने चेकिंग करना स्टार्ट करी, मैंने कहा कि इस जीरो के लिए मैंने मैंने तुम सबको तो जीरो कर दिया, अब जो बचे तुम वन, क्या तुम्हें कोई वन प्रोवाइड भी करा रहा है, जैसे इन दिस इज दिस केस इसको वन ये वाला वन प्रोवाइड करा देगा, इसको भी वन ये वाला वन प्रोवाइड करा देगा, मान लो यहाँ पे जीरो होता तो ठीक है पहले से ही। तो मैंने चेक करना स्टार्ट किया, तो मैंने चेक किया इफ बी आई जी इक्वल टू वन, तो मैं चेक करूंगा क्या इसको कोई वन प्रोवाइड करा रहा है इन इट सेम रो और कॉलम। तो मैंने उसके बाद चेकिंग स्टार्ट करी, उसके बाद के इक्वल टू जीरो से एम, तो मैंने सारी रोज पे ट्रेवल्स किया, मैंने एक कॉलम को फिक्स रखा, मैंने सारी रोज पे चेक किया ऊपर से अप से डाउन, मतलब कहीं वन आ रहा है, देन मैंने लेफ्ट से राइट जाने का ट्राई किया और मैंने सब सारों का ना सम निकाल लिया एक्चुअली। तो सम निकाल लिया दैट मीन्स कि मेरे पास टोटल सम आ जाएगा एंड कोई भी एक वन होने के लिए दैट सम शुड बी ग्रेटर देन जीरो। तो उसके मैंने चेक कर लिया इफ सम इक्वल टू जीरो, क्या सम जीरो है, अगर सम जीरो है दैट मीन्स कि हमें कोई भी वन नहीं मिला, इसको कोई वन प्रोवाइड नहीं करा रहा है यहाँ पे, ये वन इसको वन नहीं मिल पाएगा। तो मैंने सी आउट कर दिया नो, कि इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं। अगर इन सब के बाद भी, फिर उसके बाद मैंने सी आउट करा यस, और उसके बाद मेरा जो भी ए मैंने अभी तक फिक्स बना लिया था एंड मैंने वो प्रिंट करा दिया। सो या गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियोस एंड नाउ आवर सेक्शन वन इज गॉट कंप्लीट। सो आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट सेक्शन, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्लीज फॉलो द प्लेलिस्ट।